थाना सदर गुजरात पुलिस ने डकैत गैंग के दो मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों डकैती की वारदातें करने वाला चार रुकनी गैंग मुतहरिक था, जो शहरियों खुसूसन दुकानों पर सप्लाई पहुंचाने वाले ड्राइवरों से असलाह के जोर पर नकदी और मोटरसाइकिल वगैरह छीन कर फरार हो जाता। डीपीओ गुजरात उमर सलामत ने SHO थाना सदर गुजरात इंस्पेक्टर शबाद अहमद हंजरा को इस गैंग की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टास्क दे रखा था, जिन्होंने अपनी टीम के हमरा इंतहाई मेहनत और पेशावराना सलाहतों को बुरे कार लाते हुए वारदातें करने वाले गैंग को ट्रेस करके दो मेम्बरान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में अजहर अली वल महमूद अहमद, बाबर सफदर वल सफदर हुसैन, सकना मोहम्मद बुरादीर के शामिल है। दौरान इंटेरोगेशन मुलजमान ने इंकशाफ किया की कि हमारे गैंग में दो और कारिंदे भी शामिल है, हम एक ही गाँव से ताल्लुक रखते हैं और पंखा साज फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री से छुट्टी के बाद सब मुसल्ला होकर मुख्तलिफ इलाकों में फिरते रहते हैं और जहाँ कोई राहगीर अकेला मिलता है उसे असलाह के जोर पर रोक लेते हैं और उसका कीमती सामान नकदी वगैरह लूट कर फरार हो जाते हैं। मुलजमान के कब्जा से 3 अदद मोटरसाइकिल, नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला पिस्टल 30 वर बरामद हुए। मुलजमान की मजीद इंटेरोगेशन जारी है, जबकि मुलजमान के दीगर दो साथियों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी है। रिपोर्ट मिर्जा हुरम हुसैन, वाइस ऑफ गुजरात।